उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की, मैंने उनसे पूछा, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई गज़ा या उनकी फूड के मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी, कम से कम उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। और मैंने ख़ास पूछा, आप खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं? जैसे वो देखें दिन में वो बड़ा लिमिटेड तरीके से खाते हैं, उनका जो गज़ा है बड़ा वो एक मेजर्ड अंदाज से खाते हैं। जैसे एक हेल्दी फिट इंसान जो होता है वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि उसकी खुराक में क्या है, वो उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं। जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्ज़ामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पर नहीं नज़र आई। और वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान ख़ान साहब को इधर अडियाला में विज़िट करने का, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मायना भी उनका किया, उनसे बातचीत की। और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे, उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है, और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई। और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा, और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ, और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। ज़ाहिर है उन्होंने हस्पताल की बारे में, शौकत खानम के बारे में मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनको अपडेट दी। तो ये हमारी एक ब्रीफ सी गुफ्तगू थी, और आपको मुझे ये बताने में खुशी है कि मुझे तसल्ली हुई और उनको देख के कि वो ना सिर्फ के जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पे हशाश और एक्टिव और हमेशा की तरह जिस तरह वो फिट और सेहतमंद इंसान है वैसे ही नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनकी आपने रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर ली है, ब्लड की और बाकी चीज़ों की? नहीं जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और जैसे मैंने अर्ज़ की कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना उनका किया, और वो बिल्कुल ठीक था जिस हद तक इस हालात में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने कोई नहीं देखी। डॉक्टर साहब ये बताएगा, गुज़श्ता कई रोज़ से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, और इसमें कितनी सदाकत है, आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्ज़ामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पर नहीं नज़र आई, और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। तो इसका तो जवाब यही है। सर, उन्होंने कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद बताया है, तो आज उन्होंने इस तरह इस वाले से कोई बात की? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल से वो शायद किसी मौके पे उन्होंने किसी खदशे का इजहार किया हो और उसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके इस तरह से बात कर ली, लेकिन आज तो मुझे कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र। सर, अगर कोई मरीज़ हो जिसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, देखिए तिब्बी साइंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका मैं इतनी सी चीज़ मैं आपको वाज़े या क्लियर जवाब दे पाऊँ, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, तिब्बी इवैल्यूएशन, उसमें सबसे पहले मरीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, उसकी ज़ाहरी हालत होती है, उसकी बेसिक इवैल्यूएशन होती है। उस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैंने उनसे वैसे पूछा भी कि आपको कोई और अलामत कोई सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, फैमिली के हवाले से कोई बात बात हुई सर? अरे फैमिली के हवाले से जी बात नहीं, हमारा ब्रीफ सी मुलाकात थी, ज़्यादा मेरा फोकस था कि मैं उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त कर लूँ, उनको देख लूँ, और उनका फोकस था कि वो जानना चाह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, तो वो मैंने उनको बताया, और टाइम इतना ही था कि हम ये ब्रीफ सी गुफ्तगू ही कर सकते। सर, खान साहब जब आज़ाद थे उनकी एक बहुत अच्छी खुराक होती थी, अब उनको इस तरह की खुराक वहाँ पर मुहैया नहीं है, तो उससे उनकी सेहत पर कोई असर पड़ा है या उन्होंने कोई इजहार किया, ख्वाहिश का? देखिए, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की, मैंने उनसे पूछा, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई गज़ा या उनकी फूड के मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी, कम से कम उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। और मैंने ख़ास पूछा, आप खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं? जैसे वो देखें दिन में वो बड़ा लिमिटेड तरीके से खाते हैं, उनका जो गज़ा है बड़ा वो एक मेजर्ड अंदाज से खाते हैं। जैसे एक हेल्दी फिट इंसान जो होता है वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि उसकी खुराक में क्या है, वो उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं। मैंने वर्जिश का भी पूछा, वो भी वो कुछ कर रहे हैं जितनी लिमिटेड हद तक की जा सकती है एक जेल के सेल के अंदर वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल से वो उस तरह की वर्जिश शायद नहीं कर पा रहे होंगे जो वो घर में कर सकते हैं। सर, अमूमन डॉक्टर जब अपने मरीज़ से मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर परेशान, अगर कोई परेशान है मरीज़ को, वो तासुरात पता चल जाते हैं, आपको भी दिखा कि खान साहब को परेशान है अंदर? कतई नहीं, कतई नहीं। आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की, हमारे डॉक्टरों का काम रोज़ाना होता है, नया मरीज़ भी जब आता है तो जब वो कमरे में दाखिल होता है उसकी चाल से, ढाल से, उसके चेहरे से हम बहुत सी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम ही है। और जो आपका पुराना फेमिलियर पेशेंट हो उसकी तो आप एक से छोटा सा चेंज भी हो कई सालों के बाद भी देखें तो पता चलता है, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं नज़र। खुराक के हवाले से बता दें, जो खान साहब को खुराक दी जा रही है वो सेहत के लिए ठीक है या इसमें कोई मसला भी?
मेरी अर्ज़ ये है कि खुराक के बारे में उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं तसल्ली बख्श उसको बताया, ज़ाहिर है खुराक मैंने देखी नहीं। शौकत, मैं आपको बताऊं कि बड़ा इस चीज़ से मैं मुतमईन हूं कि शौकत खानम को लोग लगातार एक कौमी इदारा तसव्वुर करते हुए और उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को तसव्वुर करते हुए हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनका आपके ज़रिए आपके रास्ते से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स का। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।